हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में ट्राबेस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ट्राबेस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। लुपिन फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 105 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। ट्राबेस्ट टैबलेट में एसिटामिनोफेन IP 325 mg, ट्रामाड्रॉल SCL IP 37.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग तीव्र दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते। इसे बदन दर्द, कमर में होने वाला दर्द, हड्डियों में होने वाला दर्द, मांसपेशियों का दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन भी कहते, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसे जोड़ों में होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए, दांत में होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग अर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी किया जाता है। अर्थराइटिस को हम गठिया भी कहते हैं। उस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर उस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, उस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको चिंता, चक्कर आना, अपचन, ऐठन, मितली, उल्टी या सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइव न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले और इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।